हाय फ्रेंड्स, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा स्टेनोग्राफी सीखने का एक वो एस्पेक्ट जो कई बार हम सब इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हम स्टेनो में तो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, शॉर्ट हैंड सीख लेते हैं, एक्यूरेसी हमारी इन राइटिंग आ जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी फाइनल सिलेक्शन कई बार रह जाता है, नहीं हो पाता है। उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि कई बार मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स टाइपिंग को इग्नोर करते हैं, टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। पढ़ लेंगे अपना स्टेनो अच्छे से, कई कबार लिख देंगे उसको, लेकिन टाइप नहीं करते। अगर इससे क्या होगा, आपका स्टेनो बहुत अच्छा है, आपका रिटर्न बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छे मार्क्स लाए, आप सी डी दोनों के लिए क्वालिफाई हो गए, बट अगर आपका टाइपिंग स्पीड और मोर इम्पोर्टेंटली अगर आपका टाइपिंग एक्यूरेसी अच्छा नहीं है, तो फिर आपने कितना ही अच्छा स्टेनो क्यों ना लिख लिया हो, आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आपके टाइपिंग में मिस्टेक्स होते हैं तो। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आप सबको बोलना चाहूँगा कि टाइपिंग एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। हाँ, आप उसको स्टेनो जितना इम्पोर्टेंस नहीं देते तो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट वीक में 2 या 3 बार अपना मटेरियल, आपने जो भी स्टेनो लिखा है डिक्टेशन, उसको टाइप कीजिए। 400 वर्ड्स टाइप कर लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं करने हैं तो। हो सके तो पूरा का पूरा 840 वर्ड्स या 1000 वर्ड्स का जो भी डिक्टेशन है उसको टाइप कीजिए। अब टाइप तो आप करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि बिल्कुल चाइल्डिश वे में टाइप कर रहे हैं, उसको भी सीखना है। टाइपिंग इज़ ऑल्सो एन आर्ट। जैसे आपने स्टेनो सीखा है, उस तरीके से आपको टाइपिंग भी सीखना है। कैसा टाइपिंग सीखना है, तो सिंपल लैंग्वेज में उसे कहते हैं टच टाइपिंग। टच टाइपिंग से क्या होता है, कई स्टूडेंट्स की आदत होती है जो टाइप करते हैं, कई टाइपिस्ट होते हैं, वो कीबोर्ड को देख के टाइप करेंगे। अच्छा, ए यहाँ पे है, वी वहाँ पे, एफ वहाँ पे है, उसको देखेंगे फिर उसको वहाँ से टाइप करेंगे। नहीं, ये तरीका नहीं है। टच टाइपिंग इज़ बेसिकली कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, या आप देख रहे हैं अपने स्टेनो के मटेरियल पे, आपकी फिंगर्स कीबोर्ड पे इस तरह पोजिशन्ड है कि ऑटोमेटिकली जो अल्फाबेट, जो लेटर आएगा, उस पे आपका हाथ ऑटोमेटिकली चला जाएगा। कैसे, वो आप टच टाइपिंग के क्लासेस कर सकते हैं, टाइपिंग क्लासेस कर लीजिए, या फिर ऑनलाइन एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए अपने पीसी पे या लैपटॉप पे। अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आई एडवाइस कि आप एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज़ करें, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको उस कीबोर्ड पे टाइप करना पड़ेगा। लैपटॉप का कीबोर्ड थोड़ा कॉम्पैक्ट होता है, थोड़ा छोटा होता है, इसलिए वो आपको प्रैक्टिस के लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो ऑनलाइन आप सीख लीजिए, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्लासेस, क्लासेस में भी टाइपिंग क्लास की ज़्यादा फ़ी नहीं होती। 1 महीना या मैक्सिमम 2 महीना करेंगे, आप पहले अपने एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए कि हाँ जो भी है उसको परफेक्ट टाइप कर पा रहे हैं। उसके बाद टच टाइपिंग से ही सीखेंगे तो स्पीड बढ़ाना वुड बी इजी। एटलीस्ट मिनिमम आपका 40 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड हो जाना चाहिए विथ ऑलमोस्ट परफेक्ट एक्यूरेसी, 100% नहीं तो एटलीस्ट 99-98%। इससे क्या होगा, अगर आप से फॉर एग्जाम्पल SSC ग्रेड सी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें तो 1000 वर्ड्स होते हैं जो आपको 40 मिनट्स में टाइप करने हैं। इसका मतलब अगर आप पूरे के पूरे 40 मिनट्स भी लगा रहे हैं उसमें, तो आपको मिनिमम 25 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आप 40 के 40 मिनट्स टाइप करेंगे, आपको टाइम चाहिएगा कि आप उसको फिर से रीड कर पाए। स्टार्टिंग में आपको टाइम चाहिएगा कि अगर आपको एक बार पूरा पढ़ जाना है तो वो फास्ट टाइप हो जाएगा। इसलिए मैं पर्सनली तो यही मान के चलता हूँ कि 40 मिनट्स नहीं, उसको 25 मिनट्स का टाइम दे खुद को टाइप करने के लिए, या 30। ऐसा ही कंसिडर कीजिए कि आपके पास एट मैक्स 30 मिनट्स है, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर आपका 40 वर्ड्स पर मिनट का एटलीस्ट एक्यूरेट स्पीड होगा, तो आप आराम से उसको 25 मिनट्स में भी ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, ग्रेड डी में 80 वर्ड्स पर मिनट वाले में ज़्यादा टाइम मिलता है टाइप करने का, क्योंकि 50 मिनट्स होते हैं और सिर्फ 800 वर्ड्स होते हैं, तो आपको
अप्रॉक्सीमेटली 16 वर्ड्स पर मिनट है, लेकिन उसमें भी आप मान के चलिए कि आपके पास मैक्सिमम 35 मिनट्स हैं। तो उस हिसाब से अगर आपका स्पीड अच्छा है तो आप आराम से विद इन हाफ एन आवर या विद इन 35 मिनट्स उसको ख़त्म कर लेंगे। वैसे तो अगर ग्रेड सी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप 1000 वर्ड्स का टाइप करने का गोल है आपका 25 मिनट्स में, तो 800 वर्ड्स तो आराम से उतने में ही हो जाने चाहिए विद इन 20-25 मिनट्स। तो फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट इग्नोर टच टाइपिंग। टच टाइपिंग सीखिए आप उसको। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि लास्ट के 1 मंथ में कर लूँगा, अभी क्या है स्किल टेस्ट आने दो, नहीं, अभी से वीक में 2 या 3 दिन के लिए, ज़्यादा नहीं, बट अभी से सीखिए अगर आपने नहीं सीखा है। और अगर सीख लिया है तो अपना स्पीड बढ़ाते जाइए, क्योंकि अगर चलिए ये एग्ज़ाम्स है कल को जाके आप सिलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद ज्वाइन करेंगे तो भी कई बार इतना अर्जेंट मैटर्स आ सकते हैं कि आपको बिल्कुल ही फटाफट उसको टाइप करके देना है, या फिर अगर आप कोर्ट में आ जाएंगे तो कोर्ट में तो जजमेंट पे जजमेंट टाइप करने हैं। तो एक अच्छी स्पीड 50 अप टू 60 भी ला सकते हैं विथ सम रेगुलर प्रैक्टिस। तो आई होप आप इस टिप को याद रखेंगे और आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे। इट विल हेल्प यू इन द ओवरऑल ग्रोथ, इन द ओवरऑल जर्नी ऑफ योर इन बिकमिंग अ स्टेनोग्राफर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है, और कीप वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक्स अ लॉट।